बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। जी जनाब, तो आज का हमारा मेन्यू है पिज़्ज़ा फ्राइज। आज हमने दो मीडियम साइज़ के आलू लेने हैं, उनको छील लेना है और मीडियम साइज़ में कट कर लेना है। ना ज़्यादा मोटे होने चाहिए ना पतले होने चाहिए। उसके बाद हमने इसको पानी से धोना है और नमक लगा के साइड पर रख देना है। एक पैन में ऑयल लेना है, उसको मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख देना है। जब उसमें हल्के हल्के बबल्स बनने लगे तो उसका मतलब है कि ऑयल गर्म होना शुरू हो रहा है। उसमें दो आलू डाल के देखेंगे, अगर बबल्स बने तो उसका मतलब है हमें वही कंसिस्टेंसी मिल गई है जिसमें हमने आलू डालने हैं। अब बाकी के फ्राइज इसमें डाल दें और डालने के बाद उसको चम्मच की मदद से हिला दें ताकि ऑयल में पूरी जगह पे वो फैल जाए। अब जब वो दो मिनट के लिए पक जाए तो उसको चम्मच की मदद से उसकी साइड बदल दें ताकि दूसरी साइड से भी वो पक जाए। जब वो हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाए तो वही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। बाकी सारे आलू जो हैं अब आप निकाल लें और उसको टिश्यू पे रख दें ताकि एक्सेसिव ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। अब यहाँ पे हमने लिया है एक पैन, उसमें ऑलिव ऑयल डाला है और ऑलिव ऑयल को हमने पूरे पैन में स्प्रेड कर देना है। अब हमने इसके ऊपर सारे के सारे हमारे फ्राइज डालने हैं, उसकी एक लेयर बना लेंगे पूरे पैन में। यहाँ पे हमारे पास पिज़्ज़ा सॉस है, आप कोई भी कंपनी का पिज़्ज़ा सॉस ले सकते हैं। थोड़ी सी वेजीज है, वो भी आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकते हैं। अब हम इसके ऊपर चीज़ डालेंगे और इस स्टेज पे हमने अपना चूल्हा नहीं चलाना, चूल्हा हमारा बंद होगा। उसके बाद हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे। पिज़्ज़ा सॉस अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। उसके बाद अब हम इसके ऊपर चीज़ स्प्रेड कर देंगे। मोज़रेला चीज़ ले रही हूँ मैं यहाँ पर, आप यहाँ पर चेडर चीज़ भी ले सकते हैं, लेकिन मोज़रेला चीज़ से जो है वो बहुत मज़े का लुक आता है। और उसके बाद अब हम इसके ऊपर वेजेस लगा रहे हैं। वेजेस भी आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लगा सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन में, किसी भी स्टाइल में, किसी भी तरह से आप वेजेस जो हैं वो लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च लगाई, उसके ऊपर टमाटर लगाए, एलापिनो रखा, ऑलिव्स लगाए और डिज़ाइन बना रही हूँ मैं फुल मज़े का। अब मैंने यहाँ पे थोड़े से अनियंस भी उसके ऊपर रख दिए। अब हम यहाँ पे दोबारा से चीज़ डालेंगे इसके ऊपर, लेकिन मोज़रेला चीज़ डाल रहे हैं हम यहाँ पर, और उसको हर तरफ फैला देंगे ताकि सारी वेजेस जो हैं वो कवर हो जाएं। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दिए। चिली फ्लेक्स आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो ज़्यादा चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। अब इसको हम लोग कवर कर देंगे लिड के साथ। 5 मिनट के बाद इसको उठाएँगे और देखेंगे हमारा पिज़्ज़ा फ्राइज बिल्कुल रेडी है। यम्मीएस्ट पिज़्ज़ा फ्राइज। आप एक दफ़ा मेरे कहने पे इसको ट्राई करके देखें। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।